सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जिस तरह से गाजीपुर के गांव में हमला हुआ था, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक विधायक पर बीजेपी समर्थित गुंडों ने हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक तरफ जहां उन पर हमला हुआ तो वहीं दूसरी तरफ उन पर FIR भी दर्ज हो गई है और इसकी शिकायत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है और अगर न्याय ना मिला तो वो गाजीपुर में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। वहीं ज्ञानवापी के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के समय असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे जो कल घटना, मैं तो कहता हूं कि उसकी जांच करा लिया जाए। अगर हम दोषी हैं, हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, इतना चैलेंज देता हूं। मैं बैठा था, पानी पी रहा था किसी के दरवाजे, और 15-16 लोग लाठी डंडा लेके आए वो मार्मिक मुद्दे से। वो तो सिक्योरिटी के लोग थे, 22 लोग साथ में थे, तो सही बचाव गाड़ी में ले गए कि आगे लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए, फिर किसी तरह वहाँ से निकले। SO को फोन किया, SP को फोन किया, एडिशनल SC लाइन आर्डर को फोन किया, DG को फोन किया, प्रमुख सचिव जी को दो बार फोन किया, दरोगा पहुंचे, दरोगा के साथ बदतमीजी करने लगे वो लोग, तीन रास्ते तीनों तरफ लाठी डंडा लेके मैं भी गाड़ी रोड को। तो भारतीय जनता पार्टी को हम सांसद राजपूत बिरादरी के लोग हम भैया भारतीय जनता पार्टी का राज, वो अपराधी छोटा सांड की तरह घूमेगा और निर्दोष जो है वो जेल में है। अभी आप मिल के आए हैं, अभी स्पीकर महोदय को कहा है, ये स्थिति है, विधानसभा सचिव से उनसे कहा हूँ कि यही हाल है आप लोगों के राज्य में, बता क्या है। चक्रवर्तन से आप आते हो देखिए, जब चुनाव आता है, आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा गरीब नहीं पा रहा है उसके उस पर चर्चा होनी चाहिए, आज गरीब इलाज के बगैर मर रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बिना वजह मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान, इससे क्या मिलेगा? 7 करोड़ आबादी वाला फ्रांस आज राफेल बना रहा है, 140 करोड़ आबादी वाला भारत मस्जिद के नीचे भगवान की मूर्ति खुद रहा है, कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है। तो बेरोजगारी नहीं होगी देश में? तो जो हमला हुआ इस पर अगर उचित न्याय होता तो आप कल से हम लोग धरने को बैठने जा रहे हैं गाजीपुर, आज यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे गाजीपुर धरने को। तो आपका कहना होगा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो कल से गाजीपुर पर धरने पर बैठेंगे, क्या मैं सुनो के साथ रहा हूँ जेएमडी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी ID है @JMD।